एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ ब्लिपी। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या। ये अच्छा आइडिया है टैब, हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूँगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे केल्प का जंगल। यह केल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी केल्प को इधर उधर बहा देता है। केल्प, केल्प! ओ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब, आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओ अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। वो, 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 वो। ओ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ टैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी, ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। मैंने एक क्रेविल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लू होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक केल्प का जंगल, ब्लू मार्लिन, विशाल व्हेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर एक पर है। चैप्टर दो में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊदबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंगरे भी है। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। ओ हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो, हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। ग्रैबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं हूँ अमेजिंग आर्मी। मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है।
तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा हा? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो, वो! अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह, क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा। इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है, तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए। तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा, मैं गायब करने में माहिर हूँ। शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो रीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय फ्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है? तुम सही कह रहे हो टीपो, सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है। हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म। ओकी टोकी आंटी चोकी, ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रूमाज के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो वो रही एक वहाँ। इधर आइए, आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। अब ब्लिपी और डिबो, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं, समझ गया। हाँ, और सब्जियाँ अलग होती हैं, वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे फ्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। ओ, गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या फ्लिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ, ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है, लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? ओह सॉरी, सही जवाब है, टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल फ्लिपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने दो सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। वाओ, शुक्रिया मिस्टर स्लैम, और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं।
जवाब अपलोड करो डीबो। बाय मिस्टर स्लिम, ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लिम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे विशेष अतिथि मैडम मैगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। तुम सही कह रहे हो डीबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम है ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के वो सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डीबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद एक या दो फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग, और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डीबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडोलेक्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडोलेक्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडोलेक्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ, करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ, नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ, पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो।
वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर ग्लास है, वो ग्लास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओ, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया, चलो काम पूरा करते हैं। ये करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम, मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। वाओ, क्या बात है, यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टीरेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था। बढ़िया आइडिया है डीबो, चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। विंग्स और एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं। अरे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्हेंटिनोसॉरस। सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। आर जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ, बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। नौ, नौ। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वाओ, तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। कुदकुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो, हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है, यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटिनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना।
बाय ब्लीपी। बाय ब्लीपी। कुछ और मिला? ओ, देखो एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो, चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। डक फीट, ग्रैबर आर्म, प्रोपेलर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओ वो। ओ, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाले फिश से ही हमें बचाते हैं। वाओ, कितनी अच्छी दोस्ती है। वो जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने, 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश की शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा, शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी, फ्लॉस करना मत भूलना। सही कह रहे हो डीबो, डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म, मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे,
मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टायरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं, एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है, शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डाइनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं, मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाओ, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 225 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टीरेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चले टीना। वाओ, तुम्हारे दांत को तो देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है, हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय टीना। बाय, हो सके तो लौट के आना फिर से। थैंक्स। अच्छू, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो। हेलो। मैं हूँ ब्लिपी, तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं परा का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीक। बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओ, चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीखा सकती है? ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना हा? भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा, ये काम नहीं करेगा। ऊँच चढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऊ, हमारे लिए एक टिशू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल, ना 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 ना।
अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं? लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डीबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। वाओ, मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है, हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर ब्लेड्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। वक्त में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी। तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो। मैं अपनी पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ, है ना? एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट्स, ठीक है। चलो उस चोटी के ऊपर। कर लेंगे आप, अब नीचे जाते हैं। ओ नो डीबो, क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था। उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय पर दादाजी फ्लिपी, खुशी से महफूज रहना। उस प्यारी गिलहरी को देखो, गड्ढा खोद रही है। तुमने उसे वो नट दफनाते हुए देखा? सही कहा डीबो, हमें इसका जवाब जानना पड़ेगा कि गिलहरियाँ क्यों अपने नट्स को जमीन में गाड़ती हैं। मुझे एक्सेवेटर आर्म्स और विंग्स चाहिए होंगे। एक्सेवेटर आर्म्स, विंग्स कंफर्म्ड। प्लेपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। देखो डीबो, ये एक एकोन है। ये एक तरह का नट है और गिलहरियों को बहुत पसंद होता है। यहाँ आओ गिलहरी, प्यारी गिलहरी, हमारे पास एकोन है। नट्स, नट्स, मुझे और नट्स चाहिए। मेरे पास काफी कम नट्स है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरा दोस्त डीबो। हमने तुम्हारे लिए नट ढूंढा है। नट? ओह, एकॉर्न के लिए शुक्रिया ब्लिपी। मेरा नाम स्पार्की है। तुम जानते हो मैं हूँ एक नट एक्सपर्ट। तो तुम्हें हमें बताना होगा स्पार्की कि गिलहरियाँ क्यों अपने नट्स दफनाती हैं। क्या तुम लोग अपने नट्स नहीं दफनाते हो? ओह, मेरे साथ आओ, ज्यादा वक्त नहीं है। हमें नट्स चाहिए और नट्स, नट्स, नट्स।
ये वो गार्डन है, चीजों को जमा करके दफनाने की मेरी फेवरेट जगह। मैं एक घंटे में 25 चीजें दफना सकती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हें सारी चीजें याद कैसे रहती हैं? मैं सब कुछ यहाँ अपने शानदार दिमाग में रखती हूँ। तुम जानते हो मेरी याददाश्त कमाल की है। क्या तुम मेरी तरह याद रख सकते हो ब्लिपी? क्या कोशिश करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो अब देखो। ठीक है, क्या तुम्हें याद है ब्लिपी कि मैंने वो सारे एकॉर्न कहाँ दफनाए हैं? बेशक याद है, बहुत आसान है। ये एकॉर्न नहीं है। जितना सोचा था उससे काफी मुश्किल है। हेलो यमी वॉलनट, हमें कोई एकॉर्न नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी होशियारी के साथ अपने नट्स को छिपाती हूँ ताकि मैं ढूंढ सकूँ। इसी तरह उन्हें महफूज रखती हूँ और सर्दियों में जब खाना मिलना मुश्किल हो तो उन्हें निकालती हूँ। बढ़िया है, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि गिलहरियाँ अपने नट्स को क्यों दफनाती हैं। गिलहरियाँ नट्स और दूसरी चीजें दफन करती हैं ताकि सर्दियों में जब खाना कम पड़ जाए तो उन्हें बाद में खा सके। जवाब अपलोड करो डिबो। बाय बाय बाय, खाते रहना। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब, हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाओ! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मोर रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन 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 पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है, क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी। वाओ! वो उन सारे हाथियों को तो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डीबो, हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं।
मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीट। वाटर होस, डक फीट कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! ये! कैनन बॉल! हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं, दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट। तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ, एकदम मेरी नाक की तरह है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ। सबसे नीचे केले का एक खेत है। आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। वो तैयार हो ना, मैं आ रहा हूँ। हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैब, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैब, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैब? टैब, मुझे टैब को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैब को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद। हाँ, मैंने टैब को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैब को देखा हो, वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पम्पकिन, टैब, हेलो। ओह,
सॉरी। चिंता मत करो, बोन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो? 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 फिर से माफ करना बोन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है। इसका पीछा करते हैं। ओ, हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। ओ, कूल, एक घूमती हुई दीवार। वाह, बधाई हो ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब? तो तुम इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पम्पकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो? मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय ब्लिपी, हाय डिबो। मैं चॉकलेट बार बार्ब हूँ। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार्ब, मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है, फिर वे नन्नी नन्नी बीन्स बन जाती हैं, और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिबो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिबो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गरम किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। सलाद। ओह थैंक्स टैप, मुझे नहीं पता था कि ये पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है।
मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं। टैप, मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म्ड। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब, हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है, चलो आप पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत डाढ़ियां मोलर है, मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर चबाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाओ, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था, क्या तुम आना चाहोगे? जरूर, मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी, हेडलाइट बंद करो। ठीक है, तो चलो। वाह, कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचो। वाह ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वाओ, ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इकोलोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकरा कर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डीबो, तुम्हारे पास भी इकोलोकेशन है क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डीबो। तो चलो इस्तेमाल करें।
तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। ओ देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डीबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेटाबेट। अरे वाह, क्या बात है टैब्स, ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं। बढ़िया आइडिया है टैब्स, चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। विंग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स, सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है, जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है, इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। आहा। क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। On, Blippi. कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मुझे और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहां से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है वो उस तरफ। वो देखो वहां है। वहां लॉटरी लग गई। आज तो मैं सफर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली, हमें खाने की चीजें मिल गईं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। नहीं डीबो, जरा देखो पानी कैसे फ्रिस्बी को दूर आइलैंड की तरफ ले जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी तरह आइलैंड्स बहते क्यों नहीं
सही कह रहे हो, चलो आइलैंड से ही पूछकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और डक फीट। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, डक फीट कंफर्म्ड। ब्लिप स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह हेलो नए दोस्त। हाय, मैं ब्लिपी हूँ और ये डीबो है। दोनों से मिलके अच्छा लगा। मैं आइवन हूँ। आइवन, तुम बहते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है इसकी वजह है मेरा बॉटम। ओह तो चलो पानी के नीचे जहाँ मेरा बॉटम है वहीं देख के पता लगाएं। अरे ये क्या, मैं तो नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। सही कह रहे हो डीबो, तुम सारा पानी पी लो तो अच्छा रहेगा, फिर हम अच्छे से बॉटम को देख पाएंगे। मुझे भी देखना है कि नीचे क्या है। ओके डीबो, पी जाओ। वाओ, ये कलरफुल कोरल रीफ्स कितने ज्यादा सुंदर हैं, और हम सब कुछ देख सकते हैं। और आइवन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़े हो। थैंक्स, मैं और भी बड़ा हूँ, अभी तो तुम मेरे पेट तक ही पहुँचे हो, देखो। ओह डीबो, क्या तुम और पानी पी लोगे ताकि हम बॉटम को अच्छे से देख सके? क्या तुम ठीक हो डीबो? आइवन, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें छिपी हुई है। हे, क्या अब हम बॉटम तक पहुंच गए? नहीं, अभी तुम मेरे घुटनों तक पहुंचे हो, अभी तो आधा रास्ता बाकी है। क्या तुम पानी का एक और बड़ा घूंट ले पाओगे डीबो? अगर ले पाओगे तो हम बॉटम को अच्छे से देख पाएंगे। पता था तुम कर लोगे। तुम पहुंच गए ब्लिपी, तुम मेरे पैरों पर हो। सच में? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम चलते हो तो गुदगुदी होती है। आइवन, तुम तो सागर के बॉटम से जुड़े हुए हो और तुम तो एक पहाड़ जैसे हो। ओ जीबो, ओ नहीं! वाह, ये तो मजेदार था। और अब मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि आइलैंड्स बह क्यों नहीं जाते। आइलैंड्स बह नहीं जाते क्योंकि वो सागर के तल से जुड़े हुए पहाड़ होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया आइवन। यू रॉक, जल्द ही फिर मिलेंगे। जब भी मन करे, मैं हमेशा यही रहूंगा। बाय बाय फ्लिपी।